अलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ अलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ इस्लामिक जिहाद हाय हाय 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 केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ इस्लामिक जिहाद हाय हाय 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 अलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ अलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ अलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ जिस तरह ये चीजों की अनदेखी कर रही है जो टारगेट किलिंग्स यहाँ पर हो रही है उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है असल जिहाद की उसको जिस तरह अनदेखा किया जा रहा है वही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ये टारगेट किलिंग्स हो रही है जो धर्म के आधार पर हो रही है। पर हमारी सरकारों का दूसरी तरफ ये कहना होता है कि यहाँ पर जो किलिंग्स हो रही है उसको आप धर्म के एंगल से ना जोड़े, यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और यहाँ पर सनातनियों को शिकार बनाया जा रहा है। हमारा कहना है कि जब तक आप उन रेडिकल इंस्टीट्यूशंस को खत्म नहीं करेंगे जहाँ से इन लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है, या ओवरग्राउंड वर्कर्स जो यहाँ पर जिहाद का काम कर रहे हैं, या वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, जब तक उन पर कोई लगाम नहीं कसी जाएगी, उन इंस्टीट्यूशन पर ताला नहीं लगाया जाएगा, तब तक यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और आगे भी इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी। और दूसरी तरफ सरकार को हमारा संदेश है कि उन फैमिलीज़ को अपील है, सरकार से उन फैमिलीज़ को कंपनसेशन दी जाए और उनके घर के एक शख्स को गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि उनके घर का रहन बसन अच्छे से हो सके।